दो घर चढ़ के हाँ भूल अः गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजान ट्रैवलर पे। दोपहर होगी, धूप देखो कितनी आ रही है ज़्यादा, और इस धूप में हमें मिलेगा कुछ मस्त मस्त खाने को। मस्त मस्त खाने को क्यों मिलेगा, क्योंकि इधर लगी हुई है देवी अलग ही तरह की शिमला मिर्च बना के खिलाने के लिए। अब ये नहीं पता हमें भी वो शिमला मिर्च खाने लायक रहेगी या नहीं। क्यों भरवा शिमला मिर्च? हाँ। अच्छा, आप सो रहे थे वरना मैं आपको कहती कि मेरी रेसिपी डाल दूंगी। लोग बच गए, देखो मैंने आपको बचा लिया, थैंक्स बोल देना मुझे कमेंट में ऐसी रेसिपी से। जब आप खाओगे तब आप बोलोगे, उंगलियां चाटते रह जाओगे। बताओ मतलब साथ में रोटी नहीं मिलने वाली मुझे, मैं उंगलियां चाट के खा लूटा कैसी बीबी है यार ये। देखो मक्खन की तरह बनाया मैंने इसको। ये क्या, ये मसाला है? हाँ। किस चीज का मसाला है ये? है आलू प्याज का मसाला बस। पर इसको तूने तो ज्यादा ही ग्राइंड नहीं कर दिया? ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट सा जाना चाहिए, अगर वो हार्ड सा होता है तो अच्छा नहीं लगता। मैं प्रॉपरली मैश ना करूंगी। क्या अच्छा नहीं। इसको क्या करूंगी? बस इसके ऊपर की जो वो डंडी होती है वो निकाल के, इसके अंदर जो भी बीज है उसको निकाल के उसको खोखला कर दिया, और ये मसाला भून के अभी मसाला इसमें स्टफ करूंगी। नहीं, स्टफ करने के बाद क्या करूंगी? फिर इसको बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ा सा तेल डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच तेल लेके कढ़ाई में, उस तेल को गर्म होने पे फिर इसको मैं रख दूंगी, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको पलटना है, बस जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो। मैं वैसे तो भगवान में ज्यादा बिलीव नहीं करता, पर आज मुझे भगवान की याद आ रही है। आपको अच्छा लगेगा। देखो मसाला टेस्ट कैसे बचा लेना मुझे, फिर मसाला रख लेना। खबरदार जो मेरे मसाले को कुछ खा दो। देखा ऐसे रिव्यू ले जाते हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, पहली धमकी दे दो भी अगर खबरदार कुछ कहा तो फिर बताओ कैसा है। अरे नहीं सच्ची बहुत अच्छा है। तीखा तो नहीं होगा? नहीं नहीं सही है। मुझे खांसी होगी। खांसी होगी मतलब? मुझे कोरोना हो गया। कोरोना हो गया आज सा एक टाइम था जैसे कोई खांसता लोग दूर भाग जाते थे, ले भी भाई कोरोना लेके घूम रहा है। मुझे तो रात से खांसी आ गई और ड्राई कफ है। ड्राई कोरोना के लक्षण क्या पता है? मुंबई में 100 केस आ गए नए वायरस के। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिस हिसाब से इंडिया की आबादी है 100 केस कोई मैटर करते हैं? हाँ, पर हमने तो तब मैटर नहीं किया जब हमारे 4,000 लोग मर रहे थे, यहाँ तो केस ही 100 है। सब लोग अपना ख्याल रखो, बाकी मैं जैसी ये बनाएगी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा भी कैसे बना रही है इसको आगे, इसका आगे क्या प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर तो होगी, जो मेन चीज थी वो तो मैं बना ली। मेन प्रोसीजर ये नहीं है, मेन प्रोसीजर है जब इसका ये कंप्लीट बनेगी तब दिखाऊंगा ये। वो मेन प्रोसीजर नहीं, वो खाने वाला पार्ट है। हाँ तो मेरे लिए तो वही मेन प्रोसीजर है। अब लोगों को बता दिया अभी ये नॉर्मल मसाला बनाया है, ये तो सबको पता ही है कैसे बना। मसाला बनाना पता कैसे? बता तू, बता फिर, तू बता रही है रेसिपी। पहले तेल को गर्म करना है। वाह, कोई भी तेल ले लो, रिफाइंड ऑयल, सरसों का ऑयल, अगर सरसों का ले रहे हो उसको अच्छे से गर्म करना है। फिर उसमें राई डालनी है, फिर उसमें जीरा डालना है, फिर उसमें प्याज डालना है, प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, पर प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, कच्चा नहीं छोड़ना। फिर उसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, बस इतना डालना है। मिर्ची नहीं, इतना डालना है। ये इसमें नया कहता है, कोई भी मसाला बनता है ये चीजें तो डलती है। फिर क्रश किए हुए आलू डालना है, उसको चलाना है कम से कम 4-5 मिनट। इग्नोर कर दो यार ये, चलाना है बस जैसे नॉर्मल मसाला बनाना है वैसे बनाना है, पर इसको ज्यादा क्रश कर लेना है बस इतना सा है। ये डालो वो डालो बस, मतलब ऐसे दिखा रही है भी पता नहीं खानी बुर्ज खलीफा ही बना दिया इसने। आपको सिर्फ खाना है ना, बनाना नहीं है, इसलिए आपको सारा कुछ एक जैसे। यस, लास्ट में इसमें नींबू का रस डालना है। ये इग्नोर कर देना है क्योंकि जितने की ये सारी शिमला मिर्च होगी उतना आपका नींबू का रस खर्च जाएगा।
इतना नींबू 10 रुपए का, 15 रुपए का मिनिमम है, वो भी अगर छोटा लोगे तो। ठीक है जी, जब ये कंप्लीट करेगी, जब ये कंप्लीट करेगी तब आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो को एंड तक देखिए, जुड़े रहिए, बाय बाय। लो जी ये देखिए, अच्छा इसकी बात कर रही थी, ये ऐसे इसको हिलाते रहना है, बस ये देखो ये ऐसे पक रहा है ना। हाँ, गोल्डन ब्राउन करना है, सारी साइड से करना है। अच्छा, तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद में ऐसे हिलाते रहना, वरना ये क्या होगा ना, जल जाएगा। अभी ये पता नहीं है, मैंने बस दिखाने के लिए किया था। चलो तो इसमें ऐसे रख देना है, ढक के रख देना है, प्लेट इसको ऐसे ढक के रख दो, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद में साइड चेंज करते रहो, 15-20 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, पर जब बनेगी तो खतरनाक बनेगी। चलो देखते हैं खतरनाक किसके लिए है वो। अच्छा, जब तक शिमला मिर्च वो हो रही है, फ्राई हो रही है, तब तक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। और ये और है, और ये वो पीछे चेयर पे भी पड़े हैं, दिख रहे हैं वो पीछे वाली चेयर पे, वो वापस करने वाले, वो वापस करने वाले हैं। मेरा रोज का काम पता क्या हो गया, 3 ऑर्डर लेके आता हूँ, मतलब डिलीवरी वाले से पकड़ के 2 ऑर्डर उसको वापस करके आता हूँ। मतलब आप ये देखो, ये तो नाइट ड्रेस है, ये 2000 नहीं लग रहे, 5-6 हैं ये ऐसे, और कम से कम नहीं तो आई थिंक 6 से 7 है ना, 6 से 7 और आने वाले हैं, 6 से 7 और आने वाले हैं, 2 आ जाएंगे दोपहर, और आते भी कब है, दोपहर को सोने के टाइम, बिल्कुल मेरे आए बिल्कुल ऐसे पीक पे। इसके सारे सूट हैं, कोई नाइट सूट है, कोई आने जाने वाले सूट हैं, पता नहीं। अब इसके सूट के चलते हम एक अलमीरा ले रहे हैं, ड्रेसेस के चलते एक अलमीरा और ले रहे हैं, है ना। ये सर इसे जाना है फिर भी लगी हुई है। हाँ तो मुझे वहाँ पर चाहिए होंगे ना, वहाँ पे ऐसे प्रिंटेड अच्छे नहीं मिलते, प्लेन प्लेन से मिलते। पीछे हमारे पीछे वाला मोर भी, हमारे पीछे वाला मोर भी देख के बोल रहा होगा अभी कितनी शॉपिंग करती है, कितना वो करती है, लोग भी बोलेंगे इसका वो क्या होता है। नहीं नहीं वो अब मैंने कम कर दिया है। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, डिलीवरी वाला दे जाएगा। इनका जो टाइमिंग है ना सालों को, 2:30, 3 बजे, 3:30 ये टाइम है, चाहे रिसीव करने का है चाहे रिटर्न करने का। तो मैंने पहले और नंबर मेरा दिया हुआ है, नंबर मेरा दिया हुआ है। हाँ तो आप उसको बोलोगे ना, कलोटी वाले राह, कलोटी वाले राह पे आ जा। और कौन सा राह? पहले मुझे कितने वो बोलेगा कि धीरे पास, ध्यान से सुनना पंजाबी उसकी। हाँ फिर वो बोलते हैं वीरे थोड़ा पार्सल आया है। हाँ। फिर ये बोलते हैं वीरे तो कितने है, फिर वो बोलेगा कि मैं पता नहीं जो भी जगह है ना, जगह ही तो बताओ, जगह कौन सी वो मुझे नहीं पता, सुनो तो। हाँ। फिर आप बोलोगे कि एक काम करो, लहर के लिए वो कलोटी वाला राह जो मोड़ पे है उठे आ जाओ, सरपंच का घर है जितने। बाप रे, अगर ये वाली मैंने किसी को सुना दी ना, एक डिलीवरी वाले छोड़ देंगे, तुम वहाँ तुम वहीं से ले आओ जो मरा, मैंने आपका नंबर दिया है। डिलीवरी वाले बोलेंगे तुम आउटलेट से ही ले आओ, पर क्यूट लग रही है वैसे वो भी, सब समझ जल थोड़ी बहुत आती है, वो बोलती हूँ मैं भी, सही है। कैसे संभाल के कैसे रखते हैं देखना, और क्या उनसे छीन के ना ले जाए, कोई भरोसा नहीं है। जब मैं सो जाऊँ कि अब तक रिटर्न भी करा दे बोलेगा बहुत पागल हूँ मैं, क्योंकि मैं एक बार रिटर्न करूंगा फिर 10 और आएंगे, वो भी मुझे लेने जाना है। मैं तो बोलता हूँ उल्टा जो आ रहे हैं मैं प्रे करता हूँ भी, जो मंगवा रही है भगवान इसको फिटिंग आ जाए, इसको सही आ जाए, इसको पसंद आ जाए, ताकि रिटर्न वाला। मैंने एक मंगवाया है वो आना चाहिए, बाकी आए ना आए, बाकी रिटर्न नहीं आए तो पहले कैंसिल कर दो ना, साइड में आना चाहिए। चलो देखते हैं, तो शिमला मिर्च जो बना रही है वो खाएंगे, वो खाना खा के हटेंगे, फिर ये सो जाएगी, मैं फ़ोन पे लग जाऊंगा भी वहाँ पे आप पहुँच गया, मैं वहाँ पे पहुँच गया, वहाँ आ जा, वहाँ आ जा, मेरा रोटी वाले रास्ते आ जाओ। हाँ बारह इसी में निकल जाना, दो घर छड़ के भूल गई। इतनी पंजाबी आ दी, इतनी पंजाबी डाउनलोड हुई है, शिमला मिर्च जल जाएंगे। हाँ अभी शिमला मिर्च देखते हैं कैसी बनती है, फिर आपको दिखाते हैं बनी कैसी है, जुड़े रहिए वीडियो को एंड तक देखिए, बाय बाय। मेरे हस्बैंड फाइनली एक पार्सल आया वो लेने गए, तो मैंने सोचा कि तब तक आपको मैं दिखा दूँ कि शिमला मिर्च कैसी लग रही है, पक चुकी है ऑलमोस्ट, और 2 मिनट में पूरी पक जाएगी।
आपको दिखाते हैं शिमला मिर्च का लुक, और फिर बाद में मेरा पति खा के बताएगा कि कैसा है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अभी भी ये जो यहाँ से ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, अभी ये थोड़ा कच्चा है, तो अभी इसको पकने में लगेंगे और 2 से 3 मिनट। बिल्कुल ही धीमी आँच पे इसको पका रहे हैं, ये देखो बिल्कुल ही धीमी आँच है, तो इस पर इसको पका रहे हैं। मेरे पति आपको खा के बताएंगे कि कैसा है ये। तो देख लो इसकी फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से। अभी भी ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये कच्चा है, कच्चा नहीं है, पक तो चुका है, बट थोड़ा सा और उसको पकाने की ज़रूरत है, तो 2-3 मिनट और इसको हम पकने देंगे। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा था, एक नया पार्सल आ भी गया, अभी लेके आया मैं जाके। हाँ, ये भी आ गया। तो चलो यार, इसका तो ये सब चलता ही रहना है, बाकी आप लोगों ने देख लिया, ये इसका ड्रेस आ गया। चलो अब ये देखना पहन के अच्छे इसको फिटिंग आती है या नहीं आती, नहीं ये भी रिटर्न नहीं होगा। ये आ गया बनके खाना तैयार, और मेरे से पहले हम पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट रिव्यूअर से, मम्मी किवें बने आ? टेस्टी बने आ? हाँ, रोटी तो बता, तो दही ना खाई नहीं है? नहीं। हाँ बढ़िया बने आ? कितने पैसे देते हैं पूनम ने? है नहीं? हाँ भी तारीफ कर रहा था, बढ़िया बना है। चल कर दिए पास, मैं भी खाना खाता हूँ, फिर झेलता हूँ भी कैसा बना है। अच्छे बोलना पड़ेगा मुझे मम्मी की तरह, है कि नहीं? क्योंकि आगे भी खाना खाना है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए रब रखा।